नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ MIUI 12.5 अपडेट के बारे में। दोस्तों ये जो अपडेट है ये फाइनली इंडिया के अंदर आ चुका है और दोस्तों ये जो अपडेट है ये रेडमी के नोट 8 प्रो फोन में भी आ चुका है। तो दोस्तों आज मैं आपसे इसी अपडेट के बारे में बात करूँगा कि इस अपडेट में हमें नया क्या देखने को मिलता है और दोस्तों इस अपडेट के आने के बाद इस रेडमी नोट 8 प्रो में एक बक्सा आया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके कि ये जो बक्सा दोस्तों ये किस वजह से आया है और इस अपडेट में दोस्तों 12.5 में हमें इस फोन में क्या नया देखने को मिलता है और दोस्तों जो बक्सा है उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हो। तो दोस्तों वैसे जो अपडेट है ये अभी नहीं आया, जो कुछ टाइम काफ़ी टाइम मतलब समझ लो काफ़ी दिन पहले आया हुआ था, बट मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस अपडेट के आने के बाद हमारे फ़ोन में एक बक्सा आ चुका है जिसको दोस्तों आप कैसे सॉल्व कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना, जिससे आपको अच्छे समझ में आ सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये है मेरे पास रेडमी का नोट 8 प्रो जिसमें दोस्तों मैंने इस फ़ोन को MIUI 12.5 में अपडेट कर लिया है। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है, वैसे दोस्तों आपको पता ही होगा क्योंकि दोस्तों ये जो अपडेट है ये कुछ टाइम पहले आया हुआ था, अभी नहीं आया, बट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ जी आपको बताता हूँ। दोस्तों इसमें नया क्या देखने को मिलता है जब आप इसे चेक करोगे, तो दोस्तों इसमें देखिए साफ साफ दिखाया जा रहा है कि हमारा दोस्तों जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो दोस्तों 1 अप्रैल का कर दिया गया है। और दोस्तों इस फोन में हमें और कोई नया देखने को मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप इसे इस सेटिंग में जाओगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए डिस्प्ले में जाना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो इनके दोस्तों जो जो डिज़ाइन जो है लाइट मोड की डार्क मोड की वो दोस्तों चेंज कर दी गई है। जैसे दोस्तों पहले यहाँ पे कुछ सिर्फ लिखा हुआ आता था डार्क मोड लाइट मोड इस तरीके से, बट अभी यहाँ पे आइकन दे दिए गए हैं बड़े बड़े से, ये चेंज कर दिया गया है। और दोस्तों ऐसी छोटी मोटी और चीज़ें नोटिफिकेशन बार में दोस्तों देखिए ये 3-4 दोस्तों जो आइकन दे दिए गए हैं लॉग इन का इस तरीके से, फ्लोटिंग मोड का इस तरीके से। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये चेंज कर दी गई हैं इस अपडेट के बाद। और दोस्तों जो हमारा जो ऊपर से जो नोटिफिकेशन बार होता है वो सेम वैसा ही जैसे पहले था, इसमें दोस्तों कुछ चेंजिंग नहीं है। साउंड में देखिए साउंड का दोस्तों जो इंटरफेस है सेम वैसा ही है जैसा पहले था, बट एक आध दो चीज़ जब मैंने अभी आपको दिखाई थी वो चेंज कर दी गई हैं। जैसे यहाँ पर थोड़े बहुत दोस्तों कुछ आइकन वगैरह चेंज कर दिए गए हैं, छोटे मोटे मोटे कर दिए गए हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ इस अपडेट में थोड़े छोटे चेंजेस हैं जो अभी आप जब आपने फोन यूज करोगे तो आपको खुद नज़र आ जाएंगे। जैसे दोस्तों मैंने अभी आपको डिस्प्ले में दिखाया था उस आइकॉन वाला, सेम उस तरीके से छोटे मोटे होते हैं, एक चेंजिंग और कुछ नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है दोस्तों वो है इसका सिक्योरिटी पैच लेवल जो इंक्रीज हो चुका है। अब मैं दोस्तों आपको बताऊँ इसमें बक्स क्या आ रहा है। तो दोस्तों देखिए जब भी आप कोई इस फ़ोन में कोई सिस्टम लगाते हो, जैसे कि मेरे फ़ोन में दोस्तों दिखाता हूँ आपको, ये देखिए जब मैंने मूट कर दिया अब ना तो रिंग पर है ना किसी पर है। तो दोस्तों जो मैंने अभी यूज किया है ऐसे मैंने इसको साइलेंट मोड पर लगा दिया तो उसका दोस्तों एक मैसेज बना हुआ नीचे आता है जैसे हर फोन में आता है, बट वो तुरंत हट जाता है, बट दोस्तों इस फोन में हटता नहीं है, ये काफ़ी टाइम तक रहता है। दोस्तों ये देख सकते हो मैंने अभी साइलेंट पर लगाया था इस फोन को, तो साइलेंट वाला जो मैसेज आता है वो दोस्तों काफ़ी टाइम तक रहता है इस फोन में, ये देखिए। अब दोस्तों मैं कुछ और लगाऊंगा, ये देखिए मैंने हटा दिया। तो दोस्तों अब जी आ रहा है साइलेंट मोड इज ऑफ नाउ, अब ये काफ़ी टाइम तक रहेगा। तो दोस्तों ये जो बक्स है जिस फोन में इस अपडेट के बाद हमें देखने को मिला है और कोई बक्स नहीं है। और दोस्तों ये काफ़ी टाइम तक रहता है, ऐसा नहीं है कि जो कुछ सेकंड में हट जाएगा, जो काफ़ी टाइम तक रहेगा 5-10 मिनट तक रहता ही रहता है ये। तो दोस्तों ये बक्स फिक्स कैसे करना है ये मैं आपको आगे बता दूंगा, क्योंकि इसका जो एक ही तरीका फिक्स करने का और कोई तरीका नहीं है, मैंने सारे तरीके यूज कर लिए, कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा कि इस बक्स को कैसे फिक्स करना है। तो इसका एक ही तरीका है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इस अपडेट में हमें ज़्यादा कुछ नया देखने को नहीं मिलता, बस थोड़ी बहुत डिज़ाइन चेंज कर दी गई हैं कुछ एप्लीकेशन वगैरह की, कुछ एप्लीकेशन के अंदर जो दोस्तों जो इंटरफेस होता है एप्लीकेशन का वो चेंज कर दिया गया है, बाकी कुछ नया नहीं है। बाकी दोस्तों जो 12.4 था सेम वैसा ही है। और दोस्तों आपको सिक्योरिटी पैच लेवल है वो इंक्रीज कर दिया गया है, बाकी और कुछ नया देखने को नहीं मिलता। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आप इस बक्स को जो भाई अभी भी मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको अपने फ़ोन को
एक बार दोस्तों रिसेट मारना है आपको, रिसेट ऑल सेटिंग करनी है। जब आपका फ़ोन रिसेट हो जाएगा, आपकी जो डाटा है वो एकदम रिसेट हो जाएगा, जब आप इस फ़ोन को फिर से ओपन करोगे, ऑन करोगे, तो दोस्तों आपका फ़ोन, जो आपके फ़ोन में जो दिक्कत आ रही है दोस्तों, जो बक्सा आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक तरीका है, क्योंकि मैंने सारे तरीके अपना लिए, इस फ़ोन में जो बक्स दिखा रहा अभी मैं आपको दिखाया था वो फिक्स नहीं हो रहा था, फिर दोस्तों मैंने इसको रिसेट मारा है, उसके बाद दोस्तों ये सही हो पाया है। पर दोस्तों ये बक्स मेरे फ़ोन में तभी आया था जब इस फ़ोन को मैंने 12.5 में अपडेट किया था, उससे पहले दोस्तों मेरा फ़ोन एकदम बढ़िया चल रहा था। और दोस्तों एक बक्स और आ रहा है इस फ़ोन में, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी दोस्तों इस फ़ोन को मैं वीडियो मोड पर ले जाता हूँ, इससे वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो दोस्तों इसका जो पीछे का हिस्सा होता है ये वाला, ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है। तो दोस्तों ये भी जो बक्स है ये भी 12.5 होने के बाद ही आया है इस फ़ोन में, वैसे उससे पहले कभी नहीं था। तो दोस्तों ये शायद जो बक्स है हीटिंग वाला, ये शायद कंपनी इसे Xiaomi से फिक्स कर सकता है किसी एक अपडेट के देने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि इस अपडेट में क्या मिला था और कौन से बक्से देखने को मिले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।